आप मेरी बात रखो सुनिए। अब बेटा जब आपने किसी एंगल को नाम देना होता है, हाउ टू नेम एन एंगल, एक एंगल को नाम कैसे देते हैं, तो बेटा एक एंगल को नाम देने के लिए आपको कितने पॉइंट चाहिए? तीन पॉइंट। कैसे? देखें, मैं अगर इस एंगल को नाम देना चाहूं, इस एंगल को, तो पहली बात तो बेटा एंगल का सिंबल क्या होता है? ये सिंबल एंगल। इसका इनिशियल नाम क्या होगा? ए बी। ये इसका वर्टेक्स है। आपने इसके इनिशियल आर्म से एक पॉइंट पकड़ना जो कि बी है। मैं बी पहले लिखूंगा, ये इनिशियल आर्म से एक पॉइंट ले लिया, फिर बेटा वर्टेक्स लिखूंगा। फिर क्या लिखूंगा? कि वो वर्टेक्स जिस पे वो एंगल बन रहा है, मैंने इस एंगल को शो करना है, तो ए वर्टेक्स पे इनिशियल आर्म पे एक पॉइंट है बी, फिर ए और फिर सी लिखूंगा। तो बेटा इससे मुराद कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल। समझ आ गया? नहीं आ गया? अगर मैंने वर्टेक्स सी वाला एंगल शो करना, तो उसका एक आर्म ये, एक आर्म ये है, उसके एक आर्म से पॉइंट ए पकड़ूंगा, फिर उसका वर्टेक्स लिखूंगा, फिर दूसरे आर्म से पॉइंट पकड़ के लिखूंगा। समझ आया? तो ये जो दरमियान वाला नुक्ता होता है ना, ये आपका वर्टेक्स शो करता है, ये आपके फाइनल आर्म से पॉइंट होता है। इसका नाम वर्टेक्स, फाइनल आर्म पॉइंट होता है, और ये आपका इनिशियल आर्म से पॉइंट होता है। क्लियर हो गया जी? ये बेटा किसी भी एंगल को लिखने के लिए आपको तीन पॉइंट्स चाहिए होते हैं। वर्टेक्स हमेशा दरमियान में होगा, इनिशियल लाइन से एक पॉइंट आपने पहले लिखना, फिर वर्टेक्स लिखना, फिर फाइनल लाइन से एक पॉइंट लिख देना, और एंगल का सिंबल मैंने आपको दिया। बता प्रॉब्लम किसी को समझ आ गया? तो ये क्या? ए सी डी, एक आर्म ये, दूसरा आर्म ये, और ये वर्टेक्स है सी, तो ये लिखा हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी डी। फिर दूसरा कौन सा? डी सी बी, ये वाला पूरा एंगल। समझो, एक आर्म ये, एक आर्म ये वर्टेक्स है, तो ये लिखा। कहते हैं इन दोनों का सम किसके बराबर आना चाहिए? 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए। ये हमारा थ्योरम क्या है जी, और इसको देख भी लो, उन्होंने ये लिखा, ये सिंबोलिकली लिख दिया। कंस्ट्रक्शन का की है, ड्रॉ सी परपेंडिकुलर टू ए बी। अब ये परपेंडिकुलर टू ए बी होने का मतलब है कि आपने एक लाइन सी ई ड्रॉ करनी है जो आपकी इस लाइन ए बी को मीट करेगी सी पर, लेकर एंगल कितने डिग्री का बनाएगी? 90 डिग्री का। परपेंडिकुलर का मतलब यह है कि लाइन दैट मीट्स अनदर लाइन बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड अ परपेंडिकुलर लाइन। प्रॉब्लम किस इज? सो लो जी, नीचे उसने इसका प्रूफ देना शुरू कर दिया। ठीक है, क्लियर हुआ? प्रूफ तो मैं अपने थ्योरम्स के आपको कराऊंगा, लेकिन ये बात आपको समझ आ गई है। और इन दो एंगल्स को बेटा कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। कौन से एंगल्स? समझा? व्हेन टू लाइंस मीट ईच अदर, तो टू एंगल्स या हैविंग कॉमन वर्टेक्स। देखें, दोनों का वर्टेक्स क्या था? कॉमन था। देखें आपका एंगल, मैं इसका नाम लिख रहा हूं ए सी डी, ये वाला एंगल है, ये वाला, और ये वाला एंगल क्या? एंगल डी सी बी। यार ये फाइनल नाम है, ये इनिशियल। क्लियर हुआ? अब मेरी बात अगर गौर से सुने, इन दोनों में देखे डी आर है, आर है नहीं, आर आर है ना। इसका मतलब इन एक इस एंगल का और ये वाला एंगल है, इन दोनों एंगल्स का पहली बात तो एक आर्म कॉमन है या नहीं? ये वाली लाइन दोनों की बनावट में इस्तेमाल हो रही है। तो ऐसे दो एंगल्स जिनमें एक आर्म कॉमन हो और दूसरी बात उनका वर्टेक्स भी क्या हो। देखें, दोनों का वर्टेक्स सेम है या नहीं? इनका एक आर्म सेम है और वर्टेक्स सेम है, तो ऐसे दो एंगल्स को बेटे कहा जाता है एडजेसेंट एंगल्स। टू एंगल्स हैविंग सेम वर्टेक्स एंड वन आर्म इन कॉमन। ऐसे दो एंगल्स जिनका एक आर्म कॉमन हो और उनका वर्टेक्स भी कॉमन हो, उन्हें कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एंगल कैसे लिखना है, एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एंगल को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका, कितने पॉइंट सही होते हैं, एंगल होता क्या, उसका इनिशियल आर्म क्या, फाइनल आर्म क्या, वर्टेक्स क्या, एंगल को मेजर करने का यूनिट क्या, सारी बातें क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम हो, और थ्योरम के कितने हिस्से होते हैं, इस पर किसी को कोई प्रॉब्लम हो? क्लियर हो गया? अब बेटा जी, हमारा जो काम है उसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने अपने इस चैप्टर के अंदर जो थ्योरम्स पढ़ने हैं ना, वो थ्योरम्स हैं जी ट्राइंगल्स के। हम लोगों ने ये साबित करना है, बात गौर से सुन लो, हम लोगों ने ये साबित करना है कि कोई सी दो ट्राइंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होती हैं। समझ आ गया?
कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या है कि कोई सी दो ट्राइंगल्स मुतमासिल कब होती हैं, उनकी शेप और उनका साइज कब इक्वल होता है। समझ आ गया नहीं आ गया? तो सुनो भाई, बात समझ आ रही है नहीं आ रही? और एक बात और बताता चलू आपको, एक ट्राइंगल के कितने एलिमेंट्स होते हैं, किसी बच्चे को पता तो वहां खड़ा करे। और थ्री एंगल्स, एक ट्राइंगल के छह कंपोनेंट्स होते हैं, उसकी तीन साइड्स होती हैं और तीन एंगल्स होते हैं। आपके सामने आपको दो ट्राइंगल्स नजर आ रही हैं। अब देखिए बेटा, इसका एक एंगल ये होगा, दूसरा एंगल ये होगा, तीसरा एंगल ये होगा, और एक दो तीन साइड्स। क्लियर हो गया? तो ट्राइंगल्स की तीन साइड होती हैं और ट्राइंगल के तीन एंगल्स होते हैं। तीन साइड्स और तीन एंगल्स, एक ट्राइंगल की तीन साइड और तीन एंगल्स होते हैं, टोटल छह कंपोनेंट्स। अब बेटा जी, अगर आप कोई सी दो ट्राइंगल्स का कंपेरिजन करें, समझो, अगर आप कोई सी दो ट्राइंगल्स का क्या करें, कंपेरिजन करें, मवाजना करें, ठीक है। अब मवाजना कितने तरीके से हो सकता है दो ट्राइंगल्स का, कितने कंपोनेंट्स थे टोटल? छह कंपोनेंट्स थे। तो अब मेरी बात और से सुनना, आप एंगल ए को कंपेयर कर सकते हो किसके साथ? एंगल डी के साथ। एंगल ए को एंगल एफ के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, एंगल ए को एंगल ई के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। समझ आया नहीं? यू हो सकता है कि ए को डी से कर दो, ठीक है, समझ आ गया, इनका पेयर हो गया। फिर सी को किससे कर दो और बी को किससे कर दो? ई से। इसे कहते हैं करेस्पोंडेंस, वन टू वन करेस्पोंडेंस। बात समझ आई? आपने अपनी एक ट्राइंगल के तीन एंगल्स को दूसरी ट्राइंगल के तीन एंगल्स के साथ एसोसिएट किया, किसमें? एक अंदाज में। कितने अंदाज में? और इस अंदाज में किया कि एक एंगल का ताल्लुक सिर्फ एक एंगल के साथ बना है और किसी दूसरे के साथ नहीं बना। सच सॉर्ट ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड वन टू वन करेस्पोंडेंस। ये मैंने अभी एक किया। दूसरी क्या हो सकती है, जैसे मैं अभी आपको यहां लिख के भी देता हूं और आपको मेरी बात इंशाल्लाह ज़हन नशीन भी हो जाएगी। जैसे मेरे पास दो ट्राइंगल्स, मैं लिख देता हूं, बना देता हूं यहां पे ए बी सी डी ई एफ। पहला क्या जी, आप एंगल ए को किसके साथ करस्पोंड करवाएं? एंगल डी के साथ। फिर एंगल बी को किसके साथ? किसके साथ? एंगल ई के साथ। फिर एंगल सी को किसके साथ? बेटा ये आपकी एक करेस्पोंडेंस आएगी। समझ आया या नहीं आया? अच्छा, दूसरी क्या आएगी बताएं? एंगल ए को किसके साथ करवा दें? एंगल ए को किसके साथ करवा दें? डी के साथ पहले हो चुका, अब ई के साथ करवा दें, ठीक है। समझ आया नहीं? इसको ऊपर ले जाए, यू सर्कल में मुंह करवाई हूं, यू डी कहां आ जाएगा? बिल्कुल नीचे। यू ऊपर चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। सुन रहे हो? एंगल बी वहां पे पक्का रखे, और यहां पे कौन आ जाएगा? एंगल बिल्कुल बिल्कुल है, और एंगल सी के साथ कौन करेस्पॉन्ड कर लेगा? एंगल डी। ये दूसरी करेस्पॉन्डेंस आ गई। तीसरी में क्या आएगा? एंगल ए के साथ एंगल एफ आ जाएगा। सुन रहे हो? ठीक है। एंगल बी के साथ कौन आ जाएगा? एंगल डी आ जाएगा, और एंगल एंगल प्रॉब्लम किसी को? ये कौन सी करेस्पॉन्डेंस होगी? तीसरी। और सुन रहे हो? आपने कंपेरिजन किया। इसी तरह अब मेरी बात सुने, एंगल ए हमने करेस्पॉन्ड करवाया किसके साथ? डी के साथ। तो ए के सामने कौन सी साइड थी? बी सी। ये किससे करेस्पॉन्ड करेगी? ई एफ से। डी के सामने जो साइड है उससे ना? नहीं समझे? तो हम ये कहेंगे साइड बी सी करेस्पॉन्ड टू साइड ई एफ। क्लियर हो गया? फिर आप बी के सामने कौन थी? डी। ए सी किससे करेस्पॉन्ड करेगी? डी एफ से। फिर सी के सामने कौन सी साइड है? ए बी। किससे करेस्पॉन्ड करेगी? डी ए के साथ। प्रॉब्लम किसी को?
ये करस्पोंडिसिस है। चौथी भी आ गई, आ गई। पांचवी क्या होगी? इसको सबसे नीचे ले जाओ, इनको ऊपर ले जाओ, बीसी वहां पे पका रखो। और क्लियर हो गया? सुन रहे हो? अब क्या आ गए यहां पे? डीएफ डी, दिस इज डी एंड दिस इज ई। सुन रहे नहीं सुन रहे? ये बेटा करस्पोंडेंसेस है आपने दो ट्रायंगल्स के दरम्यान में जो ली है। वैसे ये एक करस्पोंडेंस है, सुन रहे? ये दूसरी करस्पोंडेंस है, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छह टाइप की करस्पोंडेंसेस आप लोग ले सकते हैं। मेरी बात समझे नहीं समझे? क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये बेटा इसे कहते हैं कि एसोसिएट। आपने मुवाजना किया एक एंगल का दूसरे से, एक साइड का दूसरी साइड से, समझ आ गया? और अगर इन छह करस्पोंडेंसेस को एस्टेब्लिश करने से आपको कोई एक ऐसी करस्पोंडेंस मिल जाए, एक ऐसा मुवाजना मिल जाए जिसमें जिसमें आपकी एक ट्रायंगल की के तीन एलिमेंट्स, एक ट्रायंगल के तीन एलिमेंट्स दूसरी ट्रायंगल के भी तीन एलिमेंट्स के क्या आ जाए, कोंग्रुएंट आ जाए, और उनमें कम अज कम एक साइड का होना जरूरी है। कम अज कम तीन एंगल्स कोंग्रुएंट आ जाएंगे तो कोंग्रुएंट होना जरूरी नहीं है, सिमिलर हो जाएंगे, कोंग्रुएंट होना जरूरी नहीं है। अगर आपकी छह करस्पोंडेंसेस जो आप ट्रायंगल्स के दरमियान में एस्टैब्लिश करेंगे, क्या करेंगे? ट्रायंगल्स के दरमियान में एस्टैब्लिश करेंगे, उन छह में से, सुन रहे हो, उन छह करस्पोंडेंसेस में से याद रखना, अगर कोई एक ऐसी करस्पोंडेंस आपको मिल जाए जिसमें एक ट्रायंगल के तीन, छह में से तीन एलिमेंट्स दूसरी के तीन एलिमेंट्स के कॉन्ग्रुएंट हो और उनमें कम अज कम कितनी साइड्स हो, एक साइड्स, तो आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं कि छह के छह एलिमेंट, छह के छह के कॉन्ग्रुएंट आए नहीं। अगर तीन एलिमेंट्स कॉन्ग्रुएंट हो जाए ना तो बाकी तीन भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और आपके दोनों ट्रायंगल्स के हो जाएंगे यूसर के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यही बातें बेटा आज आपकी बुक पे आपको पढ़ने को मिलेंगी। करस्पोंडेंस का मतलब, और करस्पोंडेंस का मतलब समझ आ गया कि एक एंगल को अगर आपने एक के साथ जोड़ दिया तो वो किसी और के साथ नहीं जुड़ेगा, समझ आया? आपके पास एंगल्स के कितने एंगल्स है, तीन, और तीन के साथ आपने ऐसे जोड़ा कि एक के साथ सिर्फ एक को जोड़ा, समझ आया नहीं यार? आप ये भी तो कर सकते थे, आप इनकी भी तो स्वैपिंग कर सकते, मैं अब इनकी स्वैपिंग नहीं कर सकते, इसको उधर ले जाओ उसको इधर ले आओ, कर सकते हो ना? क्या इनकी स्वैपिंग नहीं कर सकते? तो इस तरह तीन और करस्पोंडेंसेस जो है वो डेवलप होंगी। इस तरह क्या होंगी, मैंने ये तीन लिखी है, ये मैंने नंबरिंग कर रहा था, ये मैंने जो चौथा कह दिया इसको, ये नहीं है, ये एक करस्पोंडेंस है एंगल्स की और साइड्स की। इस तरह की कितनी आप डेवलप कर सकते हैं, कितनी डेवलप कर सकते हैं, छह, ठीक है, इस तरह की, समझ आया नहीं यार? क्लियर? एक को आप फिक्स कर दो, एक को फिक्स कर दो, दो को चेंज करो, एक को फिक्स कर दो, दो को, बात समझ आ रही है? तो इस तरह के बेटा आप लोग छह करस्पोंडेंसेस जो है उन्हें एस्टेब्लिश कर सकते हैं, छह इस तरह के तालुका, छह इस तरह के मुवाजने आप कर सकते हैं, प्रॉब्लम किसी बच्चे को। सो बेटा, और उन ये हम मुकाबला क्यों करें, क्योंकि हमने ये चेक करना होता है कि क्या कोई सी दो ट्रायंगल्स के तीन कंपोनेंट सेम आ रहे हैं, या वो कैसे पता चलेगा, मुवाजना करके पता चलेगा ना, कंपेरिजन करके पता चलेगा ना। और अगर हमें कोई ऐसे करस्पोंडेंस मिल जाए जिसमें आपकी कोई सी दो ट्रायंगल्स के कम अज कम तीन एलिमेंट और उनमें से एक साइड, तीन एलिमेंट हो लेकिन एक, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, लेकिन हमें कम अज कम एक साइड का कॉन्ग्रुएंट होना जरूरी है, ठीक है? तो आपके ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। पढ़ें जरा, इन दिस यूनिट बिफोर प्रूविंग थ्योरम्स, थ्योरम्स को साबित करने से पहले इस बाब में वी विल एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय 1-2-1, ये 1-1 को, इसको डैश को 2 पढ़ना, व्हाट इज मेंट बाय 1-2-1 करेस्पोंडेंस, द सिंबल यूज्ड फॉर 1-2-1 करेस्पोंडेंस इज दिस, ये सिंबल है, ठीक है, एंड कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल इन दो स्टेटमेंट का, 1-2-1 का और कंग्रुएंसी, कंग्रुएंसी मैंने आपको बता दी है कि उनका साइज सेम है, उनकी शेप सेम है। वी शैल आल्सो स्टेट साइड एंगल साइड पास्टुलेट। अब इसका क्या मतलब है, मैंने ये भी आपको एक्सप्लेन कर दी है, ये भी कर दी है, साइड एंगल साइड पास्टुलेट का क्या मतलब है कि बेटा अगर आपके ये, आप बेटा ये एट्थ क्लास में आपने थ्योरम प्रूव किया होगा, किसमें? मैं अब आपको दिखा भी देता हूं, 1-2-1 करेस्पोंडेंस ले, ये ले रहे हैं,
we can relate the angles and sides of one triangle with the angles and sides of another triangle in the following six ways. इतने तरीकों से ये देख रहे हो, AD को DE से, BC को EF से, ठीक है? फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि छह के छह तरीके बेटे उन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हुए, वो सुन रहे हो नहीं सुन रहे? ये छह के छह सारे मैंने मैंने भी तीन किए, बाकी देख अब बाकी ये शो कर रहे हैं यहाँ पे कि ए बी सी ट्राइंगल वैसे रखी, दूसरे को चेंज करते जा रहे हैं. तो देर आर सिक्स वेज इन विच यू कैन कंपेयर द टू ट्राइंगल्स विद ईच अदर. कोंग्रुएंट ट्राइंगल्स के लिए बेटा ये बाप का थ्योरम आएगा यहाँ नीचे. क्या कहते हैं, इफ 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 इन एनी करेस्पोंडेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल. कौन से साइड्स? दो साइड्स, ये देख रहे हो, दो साइड्स और उनके दरमियान वाला एंगल, और उनके दो ट्राइंगल्स की करेस्पोंडेंस आपने ली और उस करेस्पोंडेंस में आपको पता चला कि इन दो ट्राइंगल्स की दो साइड्स और उनका दरमियानी एंगल क्या है, कोंग्रुएंट है. तो बेटा आप दिल्ली से बोल सकते हैं कि ये पूरी की पूरी ट्राइंगल एक दूसरे के क्या है, ये इस थ्योरम का मतलब है. अगर नहीं किया समझ तो आगे क्या मतलब है इसका, तो आपने तीन तीन एलिमेंट शो कर देने, बस दो साइड और उनके दरमियान एंगल. अगर आप इस बात में कामयाब हो गया कि दो ट्राइंगल्स के बारे में फिर कितनी बातें प्रूव कर दे, तीन बातें कि उनकी दो साइड और उनका दरमियान एंगल अगर आप एक साइड के एक ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल के बराबर साबित कर देंगे, तो बेटा याद रखना आपके दोनों के दोनों ट्राइंगल्स की कोंग्रुएंट होंगी. ये मतलब था इसका. अब देख लें, ये आपके दो ट्राइंगल्स हैं दी हुई हैं ए बी सी और डी ई एफ. तो लेट देयर बी टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ आउट ऑफ टोटल सिक्स, आउट ऑफ टोटल सिक्स जो मैंने भी आपको एट्थ क्लास में दिखाई है, आपने वहां पे एस्टैब्लिश की थी वन टू वन करेस्पोंडेंसेस दैट कैन बी एस्टैब्लिश. वन टू वन का मतलब करेस्पोंडेंस का मतलब जो आप इनके दरमियान कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है, जो कि हम इनके दरमियान में कायम कर सकते हैं बिटवीन ए एंड बी. One of the choices, जो उनमें से एक choice है, is explained below, उसको हम नीचे लिख रहे हैं. अगर आप triangle ABC को correspond करवाते हैं, मतलब इसका मवाजना करते हैं किसके साथ, DEF के साथ, it means आपका एंगल ए किससे correspond करेगा, उसका मुकाबला उसका मवाजना हम किससे करेंगे, ए को डी से कंपेयर करेंगे, डी को ए से कंपेयर करेंगे. इसका मतलब ए corresponds to डी. अगर हम ये यहाँ पे सपोज कर लें कि ए का मैचिंग पोजिशन जो एंगल है वो क्या है, डी है, इसका मतलब ये है, सुन रहे नहीं सुन रहे, और बी का ई और सी का एफ है. इसी तरह आपकी साइड के दरमियान में भी होंगी, समझ आया, आपकी साइड ए बी किससे करस्पॉन्ड करेगी, डी से. ये एक करस्पॉन्डेंस है, समझ आया, ये एक करस्पॉन्डेंस है, एंगल्स और साइड की एक करस्पॉन्डेंस है. फिर आपने दूसरी भी तीसरी भी, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे स्लाइड पे दिखाया था, ये एक है, ये चौथा नहीं है, ये वन, ये पूरी एक है, ये दूसरी है, और ये हिसाब है तीसरी भी चौथी भी पांचवी भी छठी भी आएंगी. क्लियर हो गया? और बी सी करेस्पॉन्ड्स टू ई एफ, सी ए करेस्पॉन्ड्स टू एफ डी. कोंग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, कहता है टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कोंग्रुएंट रिटन बाय दिस सिंबल इफ देयर एग्जिस्ट ए करेस्पॉन्डेंस. अगर उनके दरमियान में एक ऐसा मुकाबला आ जाए या एक ऐसा मवाजना करने से एक ऐसा रिलेशन आ जाए सच दैट द करेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर कोंग्रुएंट, कि क्या हो जाए, उनकी जो मैचिंग पोजिशन एंगल्स है वो भी सेम हो जाए, इक्वल हो जाए, और उनकी साइड भी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, मतलब उनकी शेप भी सेम हो जाए और उनका साइज भी क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कोंग्रुएंट हो जाएंगे. छह के छह एलिमेंट्स क्या हो जाए, एक दूसरे के कोंग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है जी. ये कहा जा रहा है कि आपकी साइड जो जिनके दरमियान में भी हमने ऊपर करेस्पॉन्डेंस ली थी, बाहर जरा जल्दी से मैं देख क्या, तो वो क्या हो गए, कोंग्रुएंट हो गई. तीनों साइड कोंग्रुएंट है, तीनों एंगल्स क्या, तो छह के छह एलिमेंट्स कोंग्रुएंट हो जाए तो हम कहेंगे ट्राइंगल्स क्या, कोंग्रुएंट. इसका मतलब यह है कि उनका साइज भी सेम है और उनकी शेप भी क्या सेम. आप जरा यहां देखें, नोट देखें, ये जो ट्राइंगल्स हैं दो आपकी, कहते हैं दीज ट्राइंगल्स आर कोंग्रुएंट विद रिस्पेक्ट टू द अबव मेंशन चॉइस, क्योंकि वन टू वन करेस्पॉन्डेंस थी. ट्राइंगल एबीसी अपने आप के भी क्या होती है, ये इसे कौन सा ला कहेंगे, तो एक नंबर अपने आप के बराबर होता है ना, तो एक ट्राइंगल भी अपने आप में कोंग्रुएंट होती है. मैं शीशे के सामने जाके खड़ा हो जाऊं तो मेरी शक्ल आएगी ना, आगे चलूं. अगर एक ट्राइंगल ए बी सी दूसरी ट्राइंगल डी ई एफ के कोंग्रुएंट है और डी ई एफ ए बी सी के कोंग्रुएंट होगी, मतलब अगर साइड्स आप इंटरचेंज कर दें तो फर्क कोई नहीं पड़ता, इन दोनों का सेम, दीज टू स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट. नो
क्या लिखा, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, और ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। इक्वेशंस के साइड इंटरचेंज करते थे नहीं करते थे, तो आप कंग्रुएंसी की भी साइड्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। इसी तरह ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, अगर आपके ट्रायंगल एबीसी डीईएफ के और डीईएफ किसके या एबीसी पीक्यूआर के भी कंग्रुएंट है, तो ये दो ऐसी आपके पास स्टेटमेंट्स हैं जिनकी एक साइड क्या आ रही है, सेम आ रही है ना, दो डिफरेंट है ना, लेकिन एक साइड सेम आ रही है, तो इसका मतलब दूसरी भी क्या होगी, तो ये टॉटोटिक प्रॉपर्टी यहां पे यूज कर रहे हैं। समझे नहीं समझे, तो आपके वो जो रियल नंबर्स में आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना इक्वालिटी की, वो यहां पे भी वैलिड है। तो इन एनी करेस्पोंडेंस, अब जरा गौर से सुनना बेटा, इन एनी करेस्पोंडेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स इफ टू साइड्स, ये बेटा साइड एंगल साइड पास्टुलेट है, और यही यूज करके हम अपना पहला थ्योरम प्रूव करेंगे। इफ टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल आर वन ट्रायंगल, अगर एक ट्रायंगल की दो साइड्स और उनका दरमियानी एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए, किसके, दूसरी ट्रायंगल की करेस्पॉन्डिंग साइड्स और उनके इंक्लूडेड एंगल के, तो देन व्हाट विल हैपन, ट्रायंगल्स बाकी तीन ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बाकी तीन। तो इफ टू साइड एंड देयर इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द करेस्पॉन्डिंग साइड एंड देयर इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर, देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। समझ आ गया। इन दिस करेस्पॉन्डेंस याद रखना, ट्रायंगल एबीसी इज करेस्पॉन्ड्स टू ट्रायंगल डीईएफ शोन इन द फॉलोइंग फिगर। आप देखें, आपकी ये साइड ए बी डी ई के, ए सी डी एफ के, और ये एंगल ए एंगल डी के कॉन्ग्रुएंट है। तीन चीजें क्या आ गई है, और उनमें क्या साइड है, कम से कम देखें, मैंने कहा था एक साइड हो, यहां पे कितनी आ गई है, दो साइड, तो मेरे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है, दिस इज सेट टू बी द साइड एंगल साइड पास्टुलेट। सो बेटा जी, कल इंशाल्लाह इसी को यूज करके हमारा पहला थ्योरम हम प्रूव करेंगे। पहले थ्योरम को देखो, अभी हमने जो थ्योरम कहा, हमने कहा दो साइड और उनका दरमियानी एंगल हमने अगर शो कर दिया तो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर हम उनको कॉन्ग्रुएंट शो कर दें तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ये थ्योरम क्या कहता है, ये थ्योरम ये कहता है कि अगर दो एंगल्स और उनकी दरमियानी साइड, ऊपर वाला का कह रहा था दो साइड और उनका दरमियानी एंगल, ये क्या कह रहा है, कहता नहीं दो एंगल्स, ठीक है, इसको आप यूं भी समझ सकते हैं, जरूरी नहीं है, ये भी तो हो सकता है कि दो एंगल्स और उनके अलावा कोई एक साइड, ये भी पॉसिबल, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, एंगल एंगल साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एंगल साइड। ये बेटा ये भी वैलिड है, ये भी इंशाल्लाह मैं आपको इसकी क्रोनरी में प्रूफ कराऊंगा, ये भी मैं इंशाल्लाह आपको इसकी क्रोनरी में प्रूफ कराऊंगा, बेफिक्र रहो, ये इसकी क्रोनरी होगी। ठीक है, तो अगर कोई सी दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स, इस थ्योरम का ये मतलब है, दो एंगल्स और उनकी दरमियानी साइड जो है, अब एंगल्स क्या जा रहा है, जैसे ये दो एंगल्स हमने लिए, यहां पे एंगल बी एंगल ई के कॉन्ग्रुएंट है, और दरमियान वाली साइड कौन सी, बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ, और ये एंगल सी किसके कॉन्ग्रुएंट, अगला दो एंगल्स और उनकी दरमियानी साइड हमने क्या ले ली, कॉन्ग्रुएंट। तो अगर ये चीज दुरुस्त हो जाए, ये आपका गिवन हो, तो ऑटोमेटिकली बेटा आप इंशाल्लाह प्रूफ करेंगे कि बाकी तीनों भी क्या है, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई है। और हमें पता है कि साइड एंगल साइड पास्टुलेट अगर यहां पर हमने वैलिड कर दिया तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, आपकी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो बेटा जी कल इंशाल्लाह इस थ्योरम से आगाज करेंगे और इंशाल्लाह 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 आगे चलेंगे, और आपको बात भी समझ आएगी। अभी तक जो पढ़ाया उसमें कुछ चीज ना समझ आई हो, कुछ बातें बताइए ना, अभी एंगल क्या होता है, एंगल के कितने कंपोनेंट्स हैं, मोटी मोटी बातें, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल ये बातें आपको समझ आएंगी। स्टेटमेंट है गिवन, इंशाल्लाह आपको निकालना सिखा दूंगा, टू प्रूफ लिखना सिखा दूंगा, कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है, ठीक है, और आपने प्रूफ कैसे लिखना है, इंशाल्लाह बेटा आपको इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ने लगी, आपको बिल्कुल बुक से अलग करके, सर स्टेटमेंट देखेंगे बुक से, बाकी अपनी शक्लें हम खुद बनाएंगे, ये जो बुक के अंदर स्टेटमेंट्स है इन्हीं की रोशनी में शक्ल हम खुद बनाया करेंगे, गिवन हम खुद लिखा करेंगे, टू प्रूव हम खुद अपनी मर्जी से लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन हम लोग खुद करेंगे। ठीक है, हम लोग बुक को थोड़ा कम फॉलो करेंगे, आपको शक्लें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, छापे लगाने की जरूरत इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा रहा, इंशाल्लाह आपको थ्योरम्स आएंगे, बेफिक्र रहे, और पेपर में भी आपने जाके ऐसे लिखने हैं, अगर कोई मैथमेटिशियन या अच्छा इंसान आपका पेपर चेक करेगा, बल्कि वो आपको शाबाशी भी देगा कि आप बच्चों ने वाकई थ्योरम को समझा हुआ है, आप पॉइंट्स जो है ना उनका समझ आ नहीं है, अब आप बच्चे क्या करते हैं, ए अगर ए ऊपर है तो ए ऊपर ही आना चाहिए, डी ऊपर है तो डी, आप शक्ल भी याद करते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं होती, इसकी
सिर्फ आपको स्ट्रेट में समझ आ जाए, बाकी सारे काम बेटा आप खुद करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको कल तरीके सिखाऊंगा इस चीज के, समझ आ गए? ट्रस्ट करो ना इंशाल्लाह, बेफिक्र रहे, बहुत आसान है यकीन करें। उर्दू लिखना ज्यादा आसान है, आप उर्दू लिखते ना कोई बड़ा मुश्किल काम है, उससे ज्यादा आसान होगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए